Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well. Friend, this video is all about pruning and repotting of permanent summer flowering plant in February. तो friends, आज की video में मैं आपको कुछ ऐसे summer flowering plants दिखाऊंगी जिनकी आपको इस month pruning और repotting करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इतने खूबसूरत से flowers अपने plants में देखने को मिलेंगे जैसे कि आप मेरे इस orange jubilee tichoma के plants में देख रहे हो. तो अगर आपके पास भी orange jubilee tichoma है या फिर tichoma family का कोई भी plant है तो उसकी आपको इस समय repotting और प्रूनिंग कर देनी है. आप ये मेरे करंट कंडीशन देख सकते हो इस tichoma प्लांट की, और अब इसमें न्यू न्यू शूट्स भी निकलना शुरू हो गई हैं. मैंने ये वाला जो भी काम किया था वो आप लोग के साथ फेब्रुअरी गार्डनिंग वर्क में शेयर भी किया था, तो अगर आपको देखना है कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग कैसे की है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आए बटन पर दे दूँगी, वहाँ जाकर आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लारिंग प्लांट देख रहे हो ये है अलमांडा के, जो कि पूरा समर से लेकर मानसून तक बहुत अच्छे से फ्लारिंग करते हैं, और अभी विंटर्स इनका डोरमेंसी का पीरियड था, मैक्सिमम समर फ्लारिंग प्लांट का था, तो अब इनको डोमेंसी से निकालने के लिए चूंकि स्प्रिंग टाइम चल रहा है तो इस समय इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, तो आपको इस प्लांट की भी प्रूनिंग अच्छे से कर देनी है. इसके साथ साथ आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर लीजिएगा. अभी मैं आपको अपने प्लांट की करंट कंडीशन भी दिखा देती हूँ. आप पहले इसके फ्लावर्स देख लो कि इतने हैवली आपके जो प्लांट होते हैं वो लोडेड हो जाते हैं इन ब्यूटिफुल से फ्लावर से जब इनका फ्लावरिंग सीजन होता है, और अब समर का सीजन भी आने वाला है तो हमें इन प्लांट्स की फ्लावरिंग के लिए इनको तैयार भी करना अभी बनता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए. और आप इस समय करंट कंडीशन देख सकते हो, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है. चूंकि मेरे पास अलमंडा के ऑलमोस्ट सभी प्लांट है तो ये मेरा वाइन वैरायटी है जिसकी मैंने प्रूनिंग की, और अभी जो आपने पहले देखी उसको मैंने जस्ट हाफ हाफ कट किया. इसकी मैंने काफ़ी अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे वाइन का लुक बहुत नहीं चाहिए था कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी उसकी चली जाए, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट और थोड़ा सा क्लाइंबर टाइप का ही लुक आए थोड़ा सा जिसपे मैं सपोर्ट दे सकूँ, ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए था, इस वजह से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी. इधर फिर फ्रेंड्स आप जो नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है बोगनवेलियाज़ के. फ्रेंड्स परफेक्ट टाइमिंग जो अभी फ्लावरिंग का होगा वो मार्च में होगा, तो इस समय फरवरी में आप इस भी प्लांट की रिपोर्टिंग ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए. अगर आपका कोई भी बोगनवेलिया का प्लांट इस समय रूट बाउंडेड है तो ये प्लांट रूट बाउंड होकर फ्लावरिंग अच्छे से नहीं करता है, तो अभी भी टाइम है चूँकि स्प्रिंग टाइम इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए. और जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो कोशिश यही करिएगा कि इनकी जो रूट्स होंगी उसको आपको थोड़ा सा काटना छाटना भी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये वाले जो प्लांट्स होते हैं वो रूट बाउंड हो जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट 1/4 इसकी सॉइल निकाल देनी है, उसके साथ साथ रूट्स को भी आपको थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर देना है, तभी ये प्लांट आपको आगे समर सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा. इवन अभी जब मार्च में इसकी फ्लावरिंग होगी तो वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि इसका जो फ्लावरिंग का बहुत अच्छा टाइम होता है स्प्रिंग से लेकर फ्रेंड्स ऑटम सीजन में समर से ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अभी तैयार कर लीजिए. और आप ये मेरे प्लांट की करंट कंडीशन देख सकते हो, अब न्यू लीव्स निकलना शुरू हो गई हैं, और इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग की थी क्योंकि मेरे जो अदर प्लांट्स थे उनकी मैंने ऑटम सीजन में कर दी थी, ये वाला छूट गया था तो इसकी मैंने इस बार अभी कर दी है, और अब इसमें आप देख सकते हो न्यू लीव्स भी निकलना शुरू हो गई हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है हेमेलिया का, जो कि समर्स का एक प्रोफ्यूज ब्लूमर है. कितनी तेज़ फ्रेंड गर्मी पड़े मई जून की गर्मी में भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो अगर आपको भी अपना गार्डन फूलों से लदा चाहिए स्पेशली समर सीजन में तो इस फ्लावरिंग प्लांट को आप ज़रूर से ज़रूर इस समय प्रूनिंग कर लीजिए. अगर आपके पास है नहीं है तो आप इसको कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो, कटिंग से ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है. ये वाला जो आप प्लांट देख रहे हो इसे मैंने कटिंग से ही तैयार किया था क्योंकि हर प्लांट का एक लाइफ स्पैन होता है, तो मदर प्लांट से आप एक दो कटिंग बना के ज़रूर से ज़रूर रख लो क्योंकि आने वाले टाइम में वो ख़राब होंगे ही होंगे जब उनकी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती, तो आप इन्हें कटिंग से भी बचा सकते हो. करंट कंडीशन आप मेरे इस हेमेलिया प्लांट की देख सकते हो, अब इसमें न्यू शूट निकलना शुरू हो गई है फ्रेंड, विद इन अ वीक इसमें निकलना शुरू हो गई, आप देख सकते हो. अगर आपको रेड रेड कलर की छोटी छोटी सी लीव्स दिख रही हैं तो ये आप देख सकते हो कि इसमें अब न्यू ग्रोथ भी निकलना शुरू हो गई, और पूरी गर्मी ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा, बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट होता है. इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है पोटुलाका की. इसका फ्रेंड मैंने आप लोगों के साथ एक पूरा डिटेल वीडियो शेयर किया है कि मैंने इसको कैसे कटिंग से लगाया और इसका जो पॉटिंग मीडिया है वो आपको कैसे बनाना है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आए बटन पर दे दूँगी, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
बेनिफिशियल भी होगा। और ये एक ऐसा समर फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि बहुत अच्छे से, जितनी भी तेज़ फ्रेंड गर्मी पड़ेगी उतना ये प्लांट फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा। बस इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट आपको ध्यान में रखनी होगी, थोड़ा सा कम सा पानी डालेंगे क्योंकि ये एक सेमी सक्यूलेंट प्लांट है। और अगर आपके पास अभी ये प्लांट है, इसकी जस्ट आप छोटी छोटी सी कटिंग ले लीजिए, नॉर्मल से आप गार्डन सॉइल में भी लगा देंगे बिना किसी फ्रेंड रूटिंग हार्मोन के, ये प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और अभी मैं आप लोग को अपनी कटिंग्स का अपडेट भी दिखा दूंगी जो कि मैंने उस वीडियो में आप लोग के साथ लगा कर दिखाया था। पहले आप ये फ्लावरिंग देख लो कि इतने अच्छे से पूरा का पूरा पॉट ये प्लांट कवर अप कर लेता है ब्यूटीफुल से फ्लावर्स से। और अब आप ये देख सकते हो ये कटिंग का अपडेट है कि कितने अच्छे से इनमें न्यू ग्रोथ निकलना शुरू हो गया। इसके साथ साथ मॉस रोज की भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें भी न्यू ग्रोथ निकलना शुरू हो गया जो कि ये है, जो कि मैंने आप लोग के साथ लगा कर भी दिखाया। तो अगर आपके पास मॉस रोजेस के भी प्लांट्स हैं तो उनकी भी आप अभी प्रूनिंग है और रिपॉटिंग वगैरह सब कर सकते हो। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है अरेबियन जैस्मिन के, जिसे मोगरा भी कहते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट होता है, पेरिनियल बाय नेचर होता है। और इस समय फरवरी में तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है करना, तो वो भी आप ज़रूर कर लीजिए इसकी रिपॉटिंग और प्रूनिंग। और मैंने इसका भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया है, तो उस अगर आपने अभी तक नहीं देखा कि इसकी हमें प्रूनिंग रिपॉटिंग वगैरह कैसे करनी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, ज़रूर से ज़रूर वॉचआउट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसमें हैवी फ्लावरिंग होती है जब इसका फ्लावरिंग का टाइम होता है, स्पेशली समर सीजन में बहुत ही खूबसूरत से और हेल्दी से फ्लावर्स इसमें खिलते हैं। और अभी मैं आपको इसकी भी करंट कंडीशन दिखा देती हूँ कि आप देखिएगा कि न्यू शूट्स वगैरह निकलना शुरू भी हो गई हैं मेरे इन प्लांट्स में। आप ये देख सकते हो ये है करंट कंडीशन मेरे मोगरा के प्लांट की, जिसमें अब आप देख सकते हो न्यू शूट्स वगैरह निकलना शुरू हो गई और काफ़ी अच्छे से हेल्दी तरीके से ये प्लांट अब ग्रो होना भी शुरू कर दिया। उसके बाद आगे चल के इसमें फ्लावरिंग भी मार्च में तो बहुत अच्छे से ये प्लांट पूरा भर जाएगा। और ये दूसरा भी प्लांट आप देख सकते हो, इसमें भी न्यू शूट्स बहुत अच्छे से निकल रही है। तो आप अपने मोगरा के प्लांट में अभी ये काम ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है एक्जोरा के। तो एक्जोरा भी फ्रेंड्स, जब इधर विंटर सीजन होता है तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पूरी की पूरी तरीके से शेड हो जाती हैं। तो अब आप इनकी प्रूनिंग भी कर सकते हो और इसके साथ साथ इनकी रिपॉटिंग भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको भी इतने खूबसूरत से और हैवी नंबर्स में फ्लावर्स अपने प्लांट्स में देखने को मिले जैसे कि आप मेरे इन प्लांट्स में देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक सेमी शेड फ्रेंड फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इसको आपको बस मॉर्निंग सनलाइट वाले एरिया में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है देसी हिबिस्कस। फ्रेंड, देसी हिबिस्कस के जो प्लांट्स होते हैं वो समर्स में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, तो आप इस समय इनकी प्रूनिंग भी कर दीजिए, इसके साथ साथ इनको इनकी जो रिपॉटिंग है वो आप ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, तभी आपको गर्मी में इतनी खूबसूरत से और हैवी नंबर्स में फ्लावरिंग मिलेगी। और ये एक हैवी फीडर है, तो इसको आप अच्छे से गोबर की खाद और नीम खली से फर्टिलाइज करिएगा। जब आप इसका पॉटिंग मिक्सचर अभी बनाते हैं रिपॉटिंग के लिए, तो आप गोबर की खाद एक हिस्सा लीजिएगा और आपको करीबन 20% के अराउंड आपको नीम खली ले लेनी है। इसको मिला कर देन आप सॉइल में लगाएंगे तो आपके प्लांट्स आपको बहुत अच्छे से हैवी नंबर्स में फ्लावर्स बनाकर अभी गर्मी के टाइम में देंगे। इधर जो आप नेक्स्ट प्लांट देख रहे हो ये है कैलामोंडिन ऑरेंज का। इसकी भी मैंने रिपॉटिंग की थी जो कि मैंने आप लोग के साथ फेवरी गार्डनिंग वर्क्स में शेयर किया था, इसका अपडेट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अब आप देखो इसमें फ्रूट भी लगा हुआ है, इसके साथ साथ फ्लावर्स भी निकलना शुरू हो गए और न्यू शूट्स भी निकल रही हैं। और इधर ये सावनी का प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी, तो इसकी भी आप कर दीजिए। ऑल दो इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो मॉनसून में जाकर बहुत अच्छे से होती है, लेकिन फिर भी आप इधर स्प्रिंग टाइम में ये काम ज़रूर से जो कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है यूफोर्बिया मिलिका। फ्रेंड्स, ये करंट आज की फ्लावरिंग आप देख लो, अभी भी मेरे इस प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। अगर आपके यूफोर्बिया मिली के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो इस समय इसकी रिपॉटिंग और प्रूनिंग ज़रूर से ज़रूर कर लें, तभी आपके इन प्लांट्स में बहुत ही अच्छे से और हैवी नंबर में फ्लावरिंग होगी। और ये एक ऐसा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि पूरे साल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो ये काम आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है प्लूमेरिया के। तो प्लूमेरिया के प्लांट्स भी जो होते हैं वो बहुत जल्दी से रूट बाउंड हो जाते हैं, और कई बार इनके प्लांट्स इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं कि आपका जो पॉट होता है वो भी ब्रेक कर देते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इस टाइम में इसकी रिपॉटिंग और प्रूनिंग ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि आगे चल के ये आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग फ्लावर्स बनाकर दे सके। तो आप इसकी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। वैसे ये एक बहुत ज़्यादा हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन ये टाइम इसके लिए परफेक्ट होता है कि आप इसकी इस समय प्रूनिंग कर लीजिए, ताकि इसमें न्यू शूट वगैरह निकलना शुरू हो जाए। अगर आपको रिपॉटिंग की ज़रूरत है तो आप इसकी रिपॉटिंग भी अभी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आज आपको जितने भी फ्लावरिंग प्लांट दिखाए स्पेशली समर सीजन के, इनकी आप रिपॉटिंग और प्रूनिंग इस मंथ ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे
चल के इनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।